नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से कोट भलवाल जेल जो सुर्खियों में है और कोट भलवाल जेल का स्टाफ जो संदेह के घेरे में है, पूरी खबर क्या है वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। कोट भलवाल जेल में एक और मोबाइल बरामद, हबीब ने जेल के अंदर किया आत्महत्या का प्रयास। ये हबीब वही है जिसे कुछ दिन पहले एक मोबाइल बरामद किया गया था। बताना चाहेंगे जेल प्रशासन के पास मौजूद है सीसीटीवी फुटेज। पुलिस टीम ने जेल में जाकर बयानों को किया दर्ज। अब फोन को चंडीगढ़ में भेजा गया है जांच के लिए। जम्मू की सेंट्रल जेल कोट भलवाल में एक और मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस ने संदर्भ में मामला दर्ज कर लिया है। इस प्रकार से 50 दिनों में अब तक जेल से जुड़े 6 मामले दर्ज हो चुके हैं। दूसरी तरफ से हबीब ने जेल के अंदर ही आत्महत्या करने का प्रयास भी किया है जिसे समय रहते रोक लिया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जेल प्रशासन के पास है। उसने दीवार के साथ टक्कर लगाई है, इसके अलावा फंदा भी लगाने का प्रयास किया है। हालांकि पुलिस ने उसे रिमांड पर थाने में ले जाना था, लेकिन अब रिमांड को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस ने उसे रिमांड पर लेना था, पर फिलहाल उसे रिमांड को आगे बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ उसके फोन को चंडीगढ़ में जांच के लिए भेजने का काम भी किया गया है। एक दो दिन में फोन को भेज दिया गया और साथ ही साथ फिर वहां से जो कुछ रिपोर्ट में आएगी उसके बाद हबीब को पूछताछ के लिए लिया जाएगा, फिर उसे फोन के बारे में पूछा जाएगा। जानकारी के अनुसार जो सूत्रों के आधार पर हमसे जानकारी मिली है कि वीरवार को भी गरोटा पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया में फोन के बरामद होने का मामला दर्ज किया है। जेल में बंद याकूब उर्फ युका गुजर के पास से मोबाइल को बरामद किया गया है। यही वही युका है जिसे सतवारी में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसे पीएसए के तहत जेल में भेज दिया गया था, लेकिन वह जेल में बैठकर भी फोन का इस्तेमाल कर रहा था। वीरवार को जेल प्रशासन की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई जिसमें फोन भी दिया गया। उसके बाद पुलिस ने अब युका गुजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस की टीम दीवार यानी वीरवार को फिर से जेल में गई है। जेल के में टीम के बयान दर्ज किए गए हैं जिसमें जेल प्रशासन तथा सीआईएसएफ के कर्मी शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर नक्शा बनाया जिसे पूरी कानूनी कार्रवाई यानी को में किया जाएगा, लिया जाएगा। यह अभी तक की बड़ी खबर है। जिस तरह से आप जानते हैं कुछ दिन पहले भी अगर बताना चाहेंगे आपको कि किस तरह से जेल में बिना सिम के मोबाइल मिला था और उसके बाद भी ये पहला नहीं लगभग पिछले यानी अभी तक जो बात करें लगभग 6 इस तरह के मामले सामने आए हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जेल का जो स्टाफ है वो संदेह के घेरे में है। कोट भलवाल जेल में बंद कैदियों से मोबाइल फोन बरामद होने के मामले में जेल का स्टाफ संदेह के घेरे में है। जेल के भीतर मोबाइल फोन कर्मियों की सहायता के बिना पहुंचाया जाना संभव नहीं। और कहीं ना कहीं हमेशा अगर बात करें कोट भलवाल जेल की तो हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। ये पहली बार नहीं, लगभग पिछले कुछ महीनों से छठवां मामला है कि जिस तरह से कोट भलवाल जेल में फोन की बरामदी होनी। और ये भी कहा जा रहा है कि कोट भलवाल का जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं संदेह और शक के घेरे में है और ये बिना उनकी सहायता के फोन अंदर जाना संभव नहीं है। आखिर क्या दर्शाता, क्या लगता है कि बार बार इस तरह की यानी कि घटनाओं के सामने आना, क्या लगता है जो जेल में कोट भलवाल अगर जेल की बात करें तो बड़े बड़े कुख्यात अपराधी वहां पर बंद है और कई सारे ऐसे आतंकवादी भी वहां पर बंद है। इस तरह की अगर चूक होगी कहीं ना कहीं सेंध लगाई जाएगी तो सुरक्षा पर एक बड़ी चेतावनी सामने बनकर आ रही है। उसी के चलते बार बार इस तरह की घटना सामने आना, बार बार इस तरह की चीजें सामने आना क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वहां की जो सुरक्षा है वो उसमें काफी कमी है या यू के जेल का जो स्टाफ है अंदर का वो कहीं ना कहीं इनकी सहायता कर रहा है, उन्हें मोबाइल फोन जो है वो उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उनकी सहायता के बिना, अंदरूनी सहायता के बिना मोबाइल फोन का अंदर जेल में जाना संभव नहीं है। कि किस यानी ये चीजें ये दर्शाता थे कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक है और हो सकता है कि इस तरह से वो अपने आंखों में जो आतंकी बंद है वो अपने आकाओं के साथ यानी इस तरह से जो कनेक्शन करके उनके साथ बातचीत करके या उनके साथ इस तरह का यानी कि फोन के मोबाइल के जरिए से बातचीत करके किसी बड़ी घटना को अंजाम देना हो या जिस तरह के बड़े बड़े कुख्यात जो अपराधी हैं वो जेल में बंद है वो किसी बाहर अंदर रहकर अपना जो है पूरा नेटवर्क बाहर चलाते हो किसी बड़ी घटना को अंजाम यानी बड़े सारे सवाल जो खड़े हो जाते हैं कि आखिर बार बार इस तरह की चीजें होना कोट भलवाल जेल के सेंट्रल कोट भलवाल जेल के अंदर होना क्या दर्शाता है। आखिर कहां पर कमियां हैं, आखिर किसकी लापरवाही है, आखिर कौन मदद कर
कर रहा है ऐसे कुख्यात अपराधियों की, ये सारे सवाल खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं एक बार नहीं कहेंगे, बार बार इस तरह की चीजें हैं। आखिर क्यों उस व्यक्ति ने जिसे कुछ दिन पहले मोबाइल हाथ लगा था, उसने क्यों आखिर आत्महत्या करने की कोशिश की? अबीर जिसका नाम था, उसने आत्मदाह करने की कोशिश की आखिर कहां से? क्योंकि जब आप अच्छी भली भांति जानते हैं कि जेल में जो कैदी बंद होते हैं उसे किस तरह का सामान दिया जाता है, यानी उनके पास अगर कोई घर वाले उनसे मिलने आते हैं, उन्हें बिना जिप वाला अंदर कपड़े दिए जाते हैं ताकि वो जिप के माध्यम से अपने आप को यानी कि कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई सुई अंदर नहीं जाने दी जाती, अन्य इस तरह के उपकरण अंदर नहीं जाने दिए जाते ताकि कल को जेल प्रशासन पर कोई बड़ा सवाल ना हो अगर कोई इस तरह की घटना सामने आती है। आखिर अबीर की आत्मदाह करने के पीछे का क्या कारण है? और इस तरह से मोबाइल फोन का एक के बाद एक मोबाइल फोन का मिलना, जो अभी तक यानी पिछले 5 से 6 महीनों की अगर बात करें, 6 मोबाइल फोन इस तरह की घटनाएं सामने आई है, क्या दर्शाता है? किस पर काम करने की जरूरत है? आखिर किसकी कमी है? क्या उन लोगों पर जिन्होंने लापरवाही बरती है, या कोई भी अगर जेल का स्टाफ है जो उन आतंकियों तक या उन अपराधियों तक ये मोबाइल फोन उनकी मदद से और सहायता से पहुंचाते हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? ये बड़े सारे